हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसमें हमारे पास दे रखा है कॉमन एमिटर के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो होता है उसका जो करंट गेन होता है दैट इज बीटा, और जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है दैट उसका जो करंट गेन होता है दैट इज अल्फा। तो उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है बेटा। हमने बात की थी कि जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है उसमें जो करंट गेन होता है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज लेसर देन वन, और जो बीटा होता है काफी ज्यादा होता है, वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास होता है। और उसके जो बीच में रिलेशन होता है इसके रिगार्डिंग, या तो आपको न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं या फिर इसका डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। तो दैट देयर इज अ रिलेशन दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय वन माइनस अल्फा, तो सिंपल सा रिलेशन है। या फिर अगर उल्टा बोला जाए कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय वन प्लस बीटा, तो या दोनों में से कोई भी रिलेशन याद रख लीजिए, दोनों में आपस में ड्राइव किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन रहेगी दैट इज बी रहेगी यहाँ पे। सिंपल सा काम है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बेटा, नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग दी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने दे रखा है कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर फीडबैक टू दी एम्पलीफायर रिजल्ट्स इन विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो इसमें से कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर उसकी मेरिट्स या डीमेरिट्स कैसे हम देखते हैं। तो नेगेटिव इसकी मेरिट्स वगैरह दिखा रखी है कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के होने से या गेन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, डिस्टॉर्शन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तीसरा ऑप्शन है इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगी या घटेगी, और जो चौथा है दैट विल बी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन आउटपुट इम्पीडेंस है। इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगी। अब देखते हैं कि फीडबैक एम्पलीफायर होता क्या है हमारे पास। तो फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है कि आउटपुट का जो कुछ पोर्शन है उसको हम इनपुट की तरफ बैक ट्रेंड कर देते हैं, मतलब उसके आउटपुट का कुछ पोर्शन हम फीडबैक करते हैं टुवार्ड्स द इनपुट। सो दैट इसके दो दो तरीके होते हैं कि अगर आप आउटपुट का जो फेज है इनपुट के कंपेरेटिवली सेम है, मतलब आउटपुट और इनपुट में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अगर आउटपुट को अगर इनपुट में फीड किया जाता है विद द रिवर्स्ड फेज दैट इज 180 डिग्री, मतलब आउटपुट और इनपुट में अगर फेज डिफरेंस जो यहाँ पे दिखा रखा है वो 180 डिग्री का होता है, तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो होते हैं वो ऑसिलेटर में यूज किए जाते हैं, और जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है वो नॉर्मल एम्पलीफायर स्टेजेस में यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें डिस्टॉर्शन वगैरह, नॉइस रिडक्शन वगैरह सारे कुछ फीड जो स्टेबिलिटी वगैरह काफी ज्यादा होती है। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नेगेटिव फीडबैक में कॉरेस्पॉन्डिंग काफी सारी स्टेजेस बन जाती हैं, काफी सारे वेरिएशन हो जाते हैं। जैसे वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर हो जाता है, एक होता है करंट फीडबैक एम्पलीफायर, दो अलग अलग तरह के सेटअप हो गए। तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज दो तरह के सेटअप आपके पास देख लिए के लिए मिल जाएंगे। तो करंट एम्पलीफायर हो सकता है, वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर हो सकता है, इनके आगे भी वेरिएशन होते हैं, जो सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर हो सकता है या शंट हो सकता है। तो चार तरह के अलग अलग नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उनकी वेरिएशन अलग अलग के सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे में कोई भी यहाँ पे क्वेश्चनिंग में जो पूछा गया है दैट इज जनरल पर्पस नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, तो हम स्टिक करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ ही। तो दो तरह के जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों का फेज सेम है तो पॉजिटिव फीडबैक हो गया, एक में दूसरे में क्या हो गया, अगर उनका जो फेज है वो आउट ऑफ फेज, जो फेज वो उल्टा है, एक का पॉजिटिव साइकिल है दूसरे का नेगेटिव आ रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बोले बनेगा दैट विल बी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के लिए जो करंट गेन रहेगा दैट विल बी ए डिवाइडेड बाय वन माइनस ए इंटू बीटा, जो हमारे पास यहाँ पे ए लिखा हुआ है ये वाला सिंपल ए दैट इज ओपन लूप गेन, और जो ए ऑफ एफ लिखा हुआ है दैट इज क्लोज लूप गेन, ठीक है। इसको भी किसी लेक्चर में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ओपन लूप एंड क्लोज लूप गेन क्या होता है। जो आपके पास नॉर्मली कोई अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें जो करंट बी ओ सी ओपन लूप बी ओ एल मतलब ओपन लूप वोल्टेज गेन जो लिखा जाता है वो नॉर्मली आपको बता दिया जाता है, और क्लोज लूप निकालने के लिए बोला जाता है। सो मोस्टली इट इज गिवन, जैसे 1 लाख दे दिया जाता है या ऐसा कुछ नंबर दे दिया जाता है, 10,000 दे दिया जाएगा, 20,000 दे दिया जाएगा नंबर आपको, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए ऑफ एफ क्लोज लूप आपने निकालना होता है। सो यू नीड टू फाइंड आउट क्लोज लूप गेन, आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है जी। तो ये चीज आप निकाल के देख सकते हो बेटा। दूसरी चीज होती है फॉर्मुलेशन सेम ही है बेटा, बात यहाँ पे होगी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की, जहाँ पे सिंपल साइन बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा नेगेटिव केस के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में जो गेन रहेगा
क्लोज लूप गेन दैट विल बी गिवन बाय ए गेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए इंटू बीटा। बीटा यहाँ पे फीडबैक फैक्टर होता है, वो आपको वो भी आपको बताया जाता है, 10% दे दिया या 5% दे दिया तो वो अब भी आपको गिवन होता है। तो बीटा इज आल्सो गिवन एंड ओपन लूप वोल्टेज गेन इज आल्सो गिवन। आपने क्लोज लूप गेन ही निकालना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की मेरिट्स क्या होती है बेटा? इट रिड्यूसेस एंड इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द गेन। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का क्या फायदा होता है नेगेटिव फीडबैक देने का? कि आपका जो गेन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे 5-10% कम हो जाएगा, लेकिन उससे आपकी जो स्टेबिलिटी है सर्किट की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट थिंग इज इट इंक्रीजेज द इनपुट इम्पीडेंस सो दैट आपके पास इनपुट के ऊपर कोई लोड ना पड़े और आउटपुट में आपका करंट सस्टेन करे, इसलिए रिड्यूसेज द आउटपुट इम्पीडेंस। तो ये आपकी इनपुट को एंड आउटपुट में इंपीडेंस को मैनिपुलेट करता है। इनपुट बढ़ा दी जाती है इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस जो है रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इसके भी काफी सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि चार तरह के अलग अलग एम्पलीफायर हो सकते हैं, जिसमें वोल्टेज वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर या करंट फीडबैक एम्पलीफायर हो सकता है। दोनों के आगे दो दो और वेरिएशन होते हैं, तो सबकी अलग अलग मेरिट या डीमेरिट्स होती हैं, तो उनको आप डिटेल में इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चनिंग हुई तो वो भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल की घड़ी इसको सिंपली ही रखा गया है। सो इसके बारे में एक और चीज है, इट इंक्रीजेस द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। तो आपकी बैंडविड्थ भी बढ़ जाती है इसमें। जो फोर्थ नेक्स्ट ऑप्शन है, इट रिड्यूसेस द डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। तो नॉइस भी और डिस्टॉर्शन भी यहाँ पे कम हो जाती है। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक में सिर्फ गेन इंक्रीज होता है, लेकिन बाकी सब यहाँ पे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। डिसएडवांटेज कौन सी होगी? डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगी, इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो ऑसिलेटर जो होता है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। ठीक है बेटा। सो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखी है वो कौन कौन सी है, जैसे मैं दिखा दिया यहाँ पे, ए ऑप्शन दे रखी है डिक्रीज गेन करेगा, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है गेन डिक्रीज करेगा, दैट इज ओके। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगी, मतलब ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। तो बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है? इंक्रीज गेन। नेगेटिव फीडबैक में इंक्रीज गेन नहीं होता, डिक्रीज होता है, तो पहले ही गलत हो गया। तीसरी बात कर रहे हैं ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, डिक्रीज गेन, ठीक है जी। डिस्टॉर्शन ठीक है जी, डिक्रीज हो गया। इंक्रीज्ड इनपुट इंपीडेंस हो गया, ठीक है जी। डिक्रीज्ड आउटपुट इंपीडेंस, मतलब ये ऑप्शन सी आपकी ठीक हो जाएगी। जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगी, बिकॉज उसमें डिक्रीज दे रखा है। ठीक है जी, तो ऑप्शन आपके पास सी जो है वो ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। डिफ्यूजन बैरियर जो होता है किसी भी डायोड के अंदर एट रूम टेम्परेचर, वो पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है दो तरह के हमारे पास डायोड होते हैं, एक सिलिकॉन टाइप, एक जर्मेनियम डायोड होता है मोस्टली जो पूछा जाता है। तो सिलिकॉन जैसे होता है, सिलिकॉन डायोड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एक कॉन्टेक्ट पोटेंशियल होगा, उसके अराउंड एक बैरियर आएगा, ठीक है जी। तो ये जैसे ये पी साइड है, ये एन साइड है डायोड की, तो यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव आ जाएगा बैटरी टर्मिनल टाइप। यहाँ पे क्या रहेगा? एन की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल टाइप, एक कॉन्टेक्ट पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। जैसे आपको इसका फॉरवर्ड का ग्राफ देखोगे, फॉरवर्ड बायस डायोड का, तो आपका जो जीरो आपका जो करंट है वो स्टार्टिंग से जीरो से फ्लो नहीं करना लगता। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट जब बढ़ेगा, जब उसका नी वोल्टेज आ जाएगा 0.7 के आसपास होगा, वो जब बैरियर क्रॉस कर जाएगा तभी उसके लिए करंट फ्लो करने स्टार्ट करेगा, उससे पहले नहीं होगा। यहाँ पे फिगर भी बनी हुई है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि पी वाली साइड पे नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बन जाएगा, और जो एन टाइप रीजन है उसमें पॉजिटिव टाइप स्पेस चार्ज रीजन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बैटरी इन्वर्टेड बैटरी टर्मिनल्स बन जाएंगे, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखोगे, अगर जैसे आप इसको डिवाइड को फॉरवर्ड बायस करोगे तो पी की साइड आपको पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, एन की साइड आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो जो बैटरी टर्मिनल एक्सटर्नल सर्किट में लगा रखा है उसके उल्टा आपके पास स्पेस चार्ज रीजन की वजह से एक छोटी सी बैटरी सेटअप होती है, जिसको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बोला जाता है या डिफ्यूजन बैरियर बोला जाता है, ठीक है जी। इसको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या डिफ्यूजन बैरियर का नाम भी दिया जाता है। जर्मेनियम के केस में यही बैरियर जो होता है वो काफी कम होता है, बिकॉज ऑफ द वेरी मच लेसर एज बैंड गैप, दैट इज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में जो बैरियर गैप होता है दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन चार चार दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ठीक आती है। जो 0.3 वोल्ट है वो जर्मेनियम का है, 0.7 जो है सिलिकॉन का है, बाकी ऑप्शन जो है ये बैंड गैप हो जाता है बेटा, इट इज ए बैंड गैप। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है सिलिकॉन का बैंड गैप है।
2 मिलीवोल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। जो थर्मल एनर्जी होती है वो 0.25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन वो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज लेके आते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है बेटा, बाकी लेक्चर भी जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।